हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम शंकर और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपने YouTube चैनल को किस तरीके से ग्रो करें। इसी के साथ में जब भी आप लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहे हैं उस पर जो व्यूज हैं वो समझो ना के बराबर आ रहे हैं, और आपके जो 4000 घंटे हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। मुझे जहाँ तक पता है जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो कंप्लीट हो जाते हैं, पर जो वॉच टाइम है वो बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में कुछ टिप्स बताऊँगा जो कि आप अपने चैनल पर बहुत ही आराम से 4000 घंटे कंप्लीट कर सकते हैं बस चुटकियों में। ठीक है, इसी के साथ में अगर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स कम हैं तो वो भी आप बहुत ही इजीली तरीके से सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप शॉर्ट वीडियो यहाँ पर अपलोड करते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं, वो भी मैं आपको रीज़न बताऊँगा, और उससे आपको आगे चल के क्या नुकसान होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। इसी के साथ में आपको किसके थ्रू अपने चैनल को मोनेटाइजेशन करना चाहिए ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब भी आप अपनी लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आपके चैनल पर जो आपकी वीडियो है उस पर जो व्यूज कमाते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो को लोग देखना बहुत कम पसंद करते हैं। अगर आपकी कुछ ऐसी वीडियो है जो कि उसमें अच्छी एक्टिविटी की गई है और लोगों को पसंद आ रही है तभी वो लोग देखना पसंद करते हैं। ठीक है, या फिर आपने कुछ ऐसी जानकारी से रिलेटेड वीडियो बनाई है जो कि लोगों की मदद कर रही है जानकारी, ठीक है, तो वो भी वीडियो अच्छी खासी चलती है। ठीक है, आप जानते हैं यूट्यूब पर वीडियो कोई व्यक्ति है वो दो ही रीज़न से देखता है, या तो उसका कोई मूड थोड़ा अपसेट होता है तो वो अपने मूड को फ्रेश करने के लिए हंसी मजाक की वीडियो देखता है, या फिर उसे कोई परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो उस जानकारी को जानने के लिए, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जानकारी ढूंढता है और उसी से ही रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो देखता है। तो ये दो ही रीज़न से वीडियो यूट्यूब पर देखी जाती है। इसी के साथ में मनोरंजन के लिए आप जानते हैं सॉन्ग है, अटेंटमेंट की वीडियो है वो देखी जाती हैं। तो अगर आपका अटेंटमेंट से रिलेटेड जो चैनल है या फिर आपका कोई टेक्निकल से रिलेटेड चैनल है जो कि आप उसमें जानकारी देते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड है या फिर कोई टेक्निकल से रिलेटेड है तो आपकी वीडियो पर व्यूज एकदम नहीं आते हैं, थोड़े रुक कर आते हैं। ठीक है, अगर आपकी वीडियो अच्छी है तब, अगर आपकी कोई सॉन्ग वगैरह की है या फिर अटेंडमेंट की है तो वीडियो हर कोई देखना पसंद करता है, ठीक है, और वो वीडियो देख के चला जाता है और उसे उस जानकारी की ज़रूरत नहीं है, और आपके आपकी जो वीडियो है कोई जानकारी से रिलेटेड है और आपकी वीडियो उसके पास पहुँचती है तो वो स्किप कर देगा या फिर आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, अगर आपका चैनल नया है या फिर पुराना है तो मैं आपको बता दूं, आपके इतने जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो आपकी वीडियो नहीं देखते होंगे, इतने जो कि नए लोग देखते हैं आपकी वीडियोस के लिए, ठीक है, क्योंकि YouTube भेजता है उन लोगों के पास में जो कि आपकी वीडियो, ठीक है, और वो लोग देखते हैं। ठीक है, तो वही लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो यही एक तरीका है आप अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, और जो 4000 घंटे हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं तो आपको लगातार यहाँ पर वीडियो अपलोड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को अपलोड करें, क्योंकि अगर आप लोगों के सामने ज़्यादा कोई भी चीज़ों को रखेंगे तो वो ज़्यादा ही खाना पसंद करेंगे। ठीक है, जैसे कि बार बार रखेंगे तो वो ज़्यादा नहीं खाएंगे तो थोड़ा खाएंगे, ठीक है, तो वो फिलहाल ज़्यादा थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा खा लेंगे। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पर छोटी छोटी वीडियो ज़्यादा यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है, कि जा बार बार उनके फ़ोन पर नोटिफिकेशन जाएगा, वो बार बार क्लिक करके वीडियोस को देखेंगे। ठीक है, तो इससे यह है कि जो वीडियो है वो अन्य लोगों के भी सामने जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अब आपको यहाँ पर छोटी वीडियो बनाना ही है, ठीक है, आप वीडियो 3 मिनट से 5 मिनट की बनाइएगा और अच्छी वीडियो बनाइएगा, ठीक है, तो आपके सब्सक्राइब पूरे हो जाते हैं, और यही एक तरीका है अपने वॉच टाइम को कंप्लीट करने का। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।